जो भी लोग मुझे देख रहे हैं ट्रॉलर्स एंड नेगेटिव ट्रॉलर्स, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए आप, ये एसीपी की स्टैम्प है, ध्यान से आप देखेंगे एसीपी ऑफिस की स्टैम्प है, ओके। और ये कंप्लेंट एसीपी ऑफिस से मैंने ओशिवरा पुलिस स्टेशन में दी है। आपको शायद उल्टा नज़र आ रहा होगा, पढ़ नहीं पा रहे होंगे आप, लेकिन ये एसीपी की स्टैम्प है। सो, ये मैं फालतू में तो जाके करूँगी नहीं, आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। जिसको भी मेरे पे बहुत सारे शक हैं या प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप जाइए ओशिवरा पुलिस स्टेशन में जाके पता कीजिए कि मैंने अरहान खान के ख़िलाफ़ क्या क्या कंप्लेंट्स दी हैं और कितने पैसे उसने मुझसे ले रखे हैं, और बहुत से और लोग हैं जिनसे उसने पैसे ले रखे हैं। तो धीरे धीरे वो लोग भी सामने आके उसके ऊपर केस करेंगे। और वो मलाड में एक लड़के के साथ रहते थे, उसके पैसे लेके चले गए, उसका डिपॉजिट नहीं दिया, 6,000 रेंट था मात्र, वो नहीं दिया। और उस फ्लैट में मैं गई हूँ, वो मुझे अपना फ्लैट दिखाने भी लेके गए थे। वहाँ पे सिर्फ एक गद्दा लगा हुआ था और वो पीजी काइंड ऑफ थिंग में रह रहे थे। और जो उसको बहुत ज़्यादा अमीर समझ रहे हैं, मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप जाके ज़रा उसकी हिस्ट्री को अच्छे से खंगालिए, फिर आपको पता चलेगा। वो अभी अभी अमीर हुआ है, शायद ये बड़ों से थोड़े बहुत पैसे कमाए और बाकी रश्मि का पैसा वो यूज़ कर रहा होगा आई सपोज़। तो प्लीज़ मुझे ट्रॉल करने से पहले आप ज़रा फैक्ट्स जो हैं उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। और बार बार आप लोग एक ही बात कहते हैं, फ़ोटो फ़ोटो फ़ोटो। मैंने आपको 50 बार बोल दिया कि ये 2006 से 2010 तक का मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद वो अब तक टच में था। और उस टाइम पे मैं फिल्म्स कर रही थी, इसलिए मैं उसके साथ फ़ोटोज़ अवॉइड करती थी। एक भी फ़ोटो इसलिए नहीं है क्योंकि पिछला जो मेरे फ़ोन्स थे वो भी ख़राब हो चुके हैं और वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उसमें से मैं डाटा ले नहीं पाई। तो जो जो मेरे पास सबूत थे ना, वो सब मैंने पुलिस स्टेशन में दिए हैं। और सबसे बड़ा सबूत ये है कि हमारे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट्स थे, हम लोग हस्बैंड वाइफ बन के रह रहे थे, ठीक है। और ये हम एक घर में नहीं रह रहे थे, हम 3 डिफरेंट प्लेसेस में ऐसे रहे हैं। तो जितना मैं अरहान खान को जानती हूँ, आप फैंस नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं आई थिंक बॉम्बे में सबसे पहली हूँ जो उसको जानती थी। और वो अभी तक मेरे साथ टच में क्यों है ये आपको वो खुद ही बताएंगे। और मुझे अब तक वो फूल अराउंड कर रहे थे, जो अभी मेरी आंखें खुली हैं प्रॉपरली, इसलिए मैं बोल रही हूँ। क्योंकि अब तक वो कह रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं शो कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपको लौटाऊंगा और फिर उसके बाद मैं आपको सारे पैसे डबल करके दे दूंगा। जितने भी लोग मुझे बकवास ट्रॉल्स कर रहे हैं बिना मतलब के बैठ के, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप बकवास ट्रॉल करने से अच्छा है कि आप सच का पता लगाएं जाके, और बैठ के बिना मतलब के बकवास ना करें। जो भी अरहान खान की तरफ से बकवास कर रहे हैं और स्टूपिड बातें कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई लड़की कुछ बोल रही है ना, तो उसमें कुछ सच्चाई होगी। और मुझे गाली गलौज और स्टूपिड बातें लिखने से पहले आप ये सोचिए कि आप किसी लड़की के लिए ऐसा सब कुछ लिख रहे हैं। और बहुत से लोग मेरी एज फैक्टर को लेके बहुत सारी बकवास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई डोंट केयर, क्योंकि आप लोगों की सोच है बहुत छोटी और आप लोगों के पास दिमाग है नहीं, और आप वेले बैठे हैं तो आपको मैं ही दिख रही हूँ ट्रॉल करने के लिए। और आपको इतनी सेंस नहीं है कि अगर मीडिया मुझे सपोर्ट कर रहा है और अगर पुलिस वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरी बातों में कोई सच्चाई होगी। और आप लोग सिर्फ घर पे बैठ के अपने आइडियाज़ लगा रहे हैं कि ये झूठी है, लायर है। आप उसकी तरफ से बोल रहे हैं, क्या आप उसकी पिछली लाइफ जानते हैं? क्या आप उस टाइम पे वहाँ पे थे जब वो स्ट्रगल कर रहा था? आपको कुछ भी उसके बारे में नहीं पता है ना, तो आप बोलिए मत। मैं आपको नाम देती हूँ, आप उन लोगों से जाके बात कीजिए। सोनी है, चरिश्मा पार्लर है यहाँ पे, वो बहुत पुराने गवाह हैं। पीयूष शाह प्रोड्यूसर हैं, बहुत पुराने, उनसे जाके आप बात कीजिए। आपको उसकी सारी सच्चाइयाँ बहुत लोगों से पता चलेंगी। माधवी श्रीवास्तव हैं सिंगर, वो हमारे साथ रहती थी, उनको सब कुछ पता है, ठीक है। और उसके बाद वेंडी है हेयर स्टाइलिस्ट, उसको सब कुछ पता है, वो हमारे साथ रहती थी। तो आप मुझे ट्रॉल करने से पहले एक बार ही सोचिए कि मैं एक लड़की हूँ, और इतनी घटिया ट्रॉल आप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हैं आप अपना कैरेक्टर खुद दिखा रहे हैं।
सो आप अरहान खान के फैन हैं, ये मेरी जिंदगी है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं समझाना चाहती थी कि मुझे गंदा ट्रॉल करने से पहले आप 100 बार ही सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं।